आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। ईवी इंडस्ट्री ने देश में रेगुलेशन लाकर रख दिया है। 2022 में ईवी इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज था इंडिया में $3.21 बिलियन का था और 2029 तक ये इंडस्ट्री $113.99 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यानी कि ये इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में 66.5% के CAGR से ग्रो करने वाली है, तो काफी तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की लगातार सेल बढ़ रही है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और अगर आप भी ईवी सेक्टर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 ईवी स्टॉक्स के बारे में जो आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखें बिना स्किप करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जो एक मिड कैप स्टॉक है। कंपनी केवल इलेक्ट्रिक बसेस का मैन्युफैक्चर करती है। ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और मार्केट लीडर भी है। इसने अपने बिजनेस को काफी तेजी से ग्रो किया है। कंपनी को लगातार गवर्नमेंट से ईवी बसेस के ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और आगे भी मिल सकते हैं। अभी कंपनी का पीई रेशियो 168 है, जो कि काफी हाई वैल्यूएशन पर है। अभी यह स्टॉक 52 वीक हाई से लगभग 17% करेक्शन पर मिल रहा है और अभी वीडियो बनाते समय 1847 पर ट्रेड कर रहा है और एक साल में भी 189% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी की 76% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 200% की है। आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है और शेयर प्राइस भी आप इस कंपनी पर भी फोकस कर सकते हैं। सेकेंड कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। KPIT टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज की कंपनी है, जो कि व्हीकल डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस करती है। और इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। BMW, वॉल्वो, होंडा, टाटा, पैनासोनिक, हिटैची, जकुआर और लैंड ओवर जैसी बड़ी कंपनीज इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं और ईवी सेक्टर में यह कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो 40,877 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है, जिसका स्टॉक पीई रेशियो 75.7 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। यानी कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ROE 25.7% है और ROCE 30.2% है, जो कि बहुत अच्छे हैं। और डेप टू इक्विटी 0.20 है और अभी ये वीडियो बनाते समय 1490 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी की 16% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 35% की है। नेक्स्ट थर्ड कंपनी है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, जो एक मिड कैप स्टॉक है। ये कंपनी ऑटो व्हीकल में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी के टॉप 3 कस्टमर्स हैं बजाज ऑटो, TVS मोटर एंड यामाहा, जिनको कंपनी कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। और कंपनी की मार्केट कैप 5,152 करोड़ है और इसका पीई रेशियो 31 है। अभी यह स्टॉक 52 वीक हाई से लगभग 20% करेक्शन पर मिल रहा है और अभी वीडियो बनाते समय 358 पर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी का ROE 16.2% है, जो कि डिसेंट है। ROCE इस कंपनी का 22% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.01 है। कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी की 17% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 16% की है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 55% की होल्डिंग है और साथ ही FIIs और DIIs दोनों ही इस कंपनी में अच्छी होल्डिंग है। नेक्स्ट फोर्थ कंपनी है चार्जिंग स्टेशन की। जो कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम कर रही है वो फर्स्ट कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सोलर रूफ मैन्युफैक्चर का काम भी करती है। कंपनी 2028 तक 25,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क खुद बिल्ड करने वाले हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी की 24% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 133% की है। नेक्स्ट फिफ्थ कंपनी है बैटरी मैन्युफैक्चर की। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो बैटरीज बना रही हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर पड़ती है लिथियम आयरन बेस्ड बैटरीज। इंडिया के अंदर अभी बहुत बड़ा प्रोडक्शन कोई और फिलहाल नहीं कर रहा है,
पर दो कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं लिथियम आयरन बेस्ड बैटरीज बनाने के लिए। पहली कंपनी है अमर रजा बैटरीज, जो तेलंगाना के अंदर लिथियम आयरन फैकल्टी को खोलने वाले हैं, और दूसरी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है बैटरीज बनाने के लिए। इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो बैटरी सेक्टर में दो ही स्टॉक्स हैं, अमर रजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा काम कर रहा है लिथियम बेस्ड बैटरीज को बनाने के लिए। इस स्टॉक पर भी आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। ये थे ईवी सेक्टर के 5 टॉप स्टॉक्स जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। यहाँ मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ज़रूर ले लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।